कोरोना की वैश्विक महामारी से लोग त्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर बरेली जनपद की तहसील आंवला के कानून को इफ्तकार को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मामला पट्टे की जमीन को लेकर है, जहां कानून को महोदय ने पट्टे की जमीन के विवाद को आसानी से रिश्वत लेकर निपटाने का फैसला कर लिया, जिसमें एंटी करप्शन टीम ने सूचना मिलने पर कानून को इफ्तकार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हम आपको ले चलते रामपुर के शाहबाद में। भारतीय किसान यूनियन ने देश में बढ़ती डीजल पेट्रोल के दामों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार नरेंद्र कुमार को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन और बड़े दामों को तत्काल कम करने की मांग की। प्रदेश सचिव दरियाब सिंह यादव के साथ जिला उपाध्यक्ष रणजीत यादव, जिला संगठन मंत्री रामदास मौर्य, तहसील अध्यक्ष राहत अली खान के साथ अन्य कार्यकर्ता रहे मौजूद। अक्सर देखा गया है लड़ाई की जड़ जड़जोड़ू जमीन से होकर ही निकलती है। ऐसा ही एक मामला बरेली जनपद की तहसील फरीदपुर के ब्लॉक भुता का है, जहां पर थाना भुता के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायत में दो पक्ष आमने सामने आ गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो अपनी फरियाद लेकर SSP बरेली के यहाँ पहुँचे। उन्होंने उनसे कार्रवाई करने की मांग की। हमारे संवाददाता कुमार आनंद की रिपोर्ट। सोमवती जी, आपके हस्बैंड का क्या नाम है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? ये कहाँ पे पड़ता है? ये भुता के पास थाना भुता लगता है। अच्छा, तो क्या मामला था? पप्पू ने मारा हमारे लिए। ये पप्पू कौन है? पप्पू हमारा घर हुआ है। आपके घर हुआ है? क्या रिश्ता है आपका उनसे? जिठौत को लड़का लगता है। आपके आपके जेठ का क्या नाम है? उनकी संख्या थी, पूरा परिवार था घर में मेरे आया था। अच्छा, कम से कम 2, 4, 6, 8, 10 कितने लोग थे? चार लोग थे। अच्छा, आपके नाम वगैरह मालूम है? हाँ, नाम बताइएगा। पप्पू, प्रकाश, रमेश। ये सब भाई हैं? नहीं। अच्छा, सबका बाप है। अच्छा अच्छा अच्छा, और बाकी लड़के थे? अच्छा, मतलब जेठौट ने उनके लड़कों ने तीन लड़के और चौथा भाई। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, आपके जो आपका जो स्थानीय थाना भुता है, आपने वहाँ सूचना दी इस चीज को लेके? सुनी नहीं। तो घायल वगैरह भी हो गए? घायल कौन कौन हुए? संजीव, प्रेमपाल, हरीश और दुजन्य के मुड्डी चोट। शीला कौन है आपकी? हमारी बहू। आपके बहू है? आपके लड़के की बहू है? हाँ, आपके लड़के। अच्छा, भैया जी आप भी सामने आएगा, सामने आ जाओ। तो ये जो नाम बता रही हैं शीला जी, तो ये आपकी वाइफ हैं? अच्छा, तो आगे की घटना थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आपकी माता जी हैं शायद? हमारी ताई है। ताई जी हैं आप बराबर दोनों लोग? जी हमारे ही हैं। आप आगे आ जाओ, दोनों बराबर से सेट के खड़े हो जाओ। आपको बता दें, जनपद बरेली के फरीदपुर तहसील के परा मोहल्ले के धोबी घाट में BA सेकेंड ईयर की छात्रा का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फरीदपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। खबर जनपद रामपुर से है, जहां बाघ के रखवालों ने ही नहीं रखी युवती की इज्जत की लाज। मामला थाना कोतवाली मिलक रामपुर का है, जहां ग्राम निजवी निवासी युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। पीड़ित युवती ने बताया कि जब वह गांव भैंसोड़ी के रहने वाले तेजपाल व विजयपाल के आम के बाग में आम लेने गई थी, वहीं पर पहले से मौजूद तेजपाल व विजयपाल ने गंदी नीयत से युवती का हाथ पकड़ लिया और विरोध करने पर युवती व युवती के साथ गई लड़की के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की। युवती ने तहरीर देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अगर इधर आई तुम्हारा तो तेरा बुरा हाल कर देगी। मैंने यही हकीकत आके अपने भाई को बताई, मेरा भाई यहाँ पर गया,
फिर मेरे भाई के साथ मारपीट करी। और कितने बजे की बात है? ये 9:30 बजे की बात है। आपके साथ और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा ये। आपके भाई आए थे? हाँ, फिर मेरे भाई के साथ में भी मारा पीटी करी और मेरा भतीजा भी था। आपके भाई है साथ इस समय? हाँ है। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आप तो आपकी मैं नहीं जी हमारे। क्या हुआ था? ये वहाँ पे गई थी आम के साथ, तो इनसे मतभेदी करी। इन्होंने मेरे को आकर बताया, तो मैंने कहा मैं दिखता हूँ, बात करता हूँ उनसे जाकर। जैसे मैं वहाँ गया तो मेरे भी हाथापाई करती, मेरे लड़के भी। अब आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? सर मैं तो कार्रवाई ये चाहता हूँ उनसे। थाने में कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? रहिए LTD न्यूज के साथ। हमारे LTD न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।